हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जो भी बच्चे जो मैप्स एंड पीसीएल का एग्जाम अटेंड किए थे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जिनका जो एग्ज़ाम हो चुका था आपका 30 तारीख जिसका एग्ज़ाम हुआ था, तो फिलहाल अभी जो डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर जो है रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है, तो आप जो है कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको पता चलना कि उनको जो उनका जो रिजल्ट पब्लिश हो चुका है ना। उसके बाद हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि इसके रिगार्डिंग जो है आगे की प्रोसेस कैसा होगा, मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, SSC फॉर्म कैसे भर जाएंगे, जितने भी डाउट आते हैं सारे डाउट को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जो हम लोग फिलहाल आज हम लोग जानेंगे कि जो इसका जो रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। सबसे अगर आपको लिंक नहीं है तो लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर जाके जो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जब देख सकते हैं जो मैप्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, जब इसको जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू जानकारी करके आ रहा है ना, नई जानकारी है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इस टाइप से भी सारा डिटेल्स है, इसमें लोग को थोड़ा सा वेट करना है नई जानकारियाँ में। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना, जैसे यहाँ पर देख इससे क्रॉस कर गया है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद जितने भी आपके माइंड में डाउट आते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या रहता है, पिछले बार जो किस टाइप का जो पूछा गया था है ना, मेडल का थिकनेस कितना रहता है, जितने भी आपके माइंड में डाउट आते हैं सारे डाउट को हम लोग डिस्कस करेंगे है ना नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करके पूछते हैं तो। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ना, इसको क्लिक करना है अटैचमेंट में, तो एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF फाइल में क्लियर पूरा मेंशन किया हुआ है, एक सेकंड, इसमें क्लिक करना है, एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा है ना। इस PDF फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो NPCL की तरफ से निकाला गया सब्जेक्ट जो है रिजल्ट यहाँ दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम जो कनेक्ट हुआ था आपका 30/6/2024 इसका एग्ज़ाम कनेक्ट हुआ था आपका, ये जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था है ना, इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट 30/6/2024 एट सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, JPR नगर चेन्नई, इतना यह था आपका स्टेपनी कैटेगरी 2 कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रो मैकेनिक फिटर इंस्ट्रूमेशन या प्लम्बर वेल्डर, जितने भी जो एग्ज़ाम हुए थे वो सारे एग्जाम का जो रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया, तो आप जो है कैसे चेक करना है वो भी यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। आपको प्रोसेस क्या करना है ना, ये जो आपका द कनेक्ट कैन विजिट द मैप्स रिक्रूटमेंट वेब पेज यूजिंग है ना, ये जो लिंक दिया हुआ रहेगा, इस लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसको क्लिक करने के बाद जो आप इनके ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, लॉग इन इन टू द पोर्टल यूजिंग देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अप्लाई में क्लिक करना है, मेनू में जाने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा है ना, उसके बाद जब नीचे क्लिक करोगे तो द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन द एप्लीकेशन स्टेटस पेज करके आएगा, दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है मेरिट शॉर्ट लिस्ट फॉर स्किल टेस्ट विल बी डिस्प्ले शॉर्टली है ना, बहुत जल्द जो है आपका रिजल्ट जो है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो है जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका रिजल्ट पब्लिश कर दिया। इसके लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितने भी अपडेट आते रहेंगे सारे अपडेट को हम आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल में बताने का प्रयास करेंगे, दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट आई रिक्वेस्ट टू कीप चेकिंग द फॉलोइंग कैंडिडेट लॉगिन पेज फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये जो इनका जो NPCL मैप्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस लिंक ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आपको हमेशा जो है चेक करते ही रहना है, नहीं तो जो है आप हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस को है ना, इसके रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन आएंगे सारे इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू। अगर आप अपना डिटेल चेक नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएँ, थैंक यू।